हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंफॉर्मेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी को मिलते हैं फुल्ली एक्सेसिबल टॉक बैक के साथ टेक्नोलॉजी जॉब अलर्ट से संबंधित नई नई अपडेट्स। इन नई अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और पास में बने बेल आइकन को प्रेस करके कीजिए ऑल पे सेट, ताकि आपको मिल सके हमारे वीडियो की सबसे पहले अपडेट। तो कंटिन्यू वॉचिंग इंफॉर्मेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड यूट्यूब चैनल। एवरीवन एंड वेलकम टू द इंफॉर्मेशन डेस्क फॉर विजुअली इम्पेयर्ड यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 अध्याय 4 के विषय में, कौशल विकास और नियोजन। समुचित सरकार दिव्यांगजनों के लिए नियोजन, विशेषकर उनके व्यावसायिक परीक्षण और स्वनियोजन को सुकर बनाने और उसमें सहायता करने के लिए, जिसके अंतर्गत रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना भी है, स्कीम और कार्यक्रम बनाएगी। उपधारा 1 के निर्दिष्ट स्कीमों और कार्यक्रमों में निम्नलिखित उपबंध होंगे। सभी मुख्यधारा के औपचारिक और गैर औपचारिक वृत्तिक और कौशल परीक्षण स्कीम और कार्यक्रमों में दिव्यांगजनों को सम्मिलित किया जाना, यह सुनिश्चित करना कि किसी दिव्यांगजन को विनिदृष्टि परीक्षण प्राप्त करने के लिए पर्याप्त सहायता और सुविधाएं प्राप्त हैं। ऐसे दिव्यांगजनों के लिए जो विकासात्मक बौद्धिक बहुविध दिव्यांगता स्वपरायणता वाले हैं, अनन्य कौशल परीक्षण कार्यक्रम बनाना जिनका प्रभावी संयोजन बाजार के साथ हो, रियायती दर पर ऋण जिसके अंतर्गत सूक्ष्म उधार भी है, दिव्यांगजनों द्वारा बनाए गए उत्पादों का विपणन और कौशल परीक्षण और स्वनियोजन में की गई प्रगति और असंकलित डेटा बनाए रखना जिसके अंतर्गत दिव्यांगजन भी है। कोई भी सरकारी स्थापना नियोजन से संबंधित किसी मामले में किसी दिव्यांगजन के विरुद्ध विवेद नहीं करेगी, परंतु समुचित सरकार किसी स्थापन के किए जाने वाले कार्यों के प्रकार को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना द्वारा और ऐसे निबंधनों के अधीन रखते हुए, यदि कोई हो इस धारा को उपबंधों से किसी स्थापन को छूट प्रदान कर सकेगी। प्रत्येक स्थापन दिव्यांग कर्मचारी को युक्तियुक्त आवासन और समुचित अवरोध मुक्त तथा सहायक वातावरण उपलब्ध कराएगा। केवल दिव्यांगता के आधार पर किसी व्यक्ति को पौनति से इनकार नहीं किया जाएगा। कोई सरकारी स्थापन किसी ऐसे कर्मचारी को जो अपनी सेवा के दौरान कोई दिव्यांगता ग्रहण करता है, उसे अभिमुक्त या उसके रैंक में कमी नहीं होगी। परंतु यदि कोई कर्मचारी दिव्यांगता ग्रहण करने के पश्चात उस पद के लिए उपयुक्त नहीं रह जाता तो है जिसे वह धारित करता है, तो उसे समान वेतनमान और सेवा के फायदे के साथ किसी अन्य पद पर स्थानांतरित किया जाएगा। परंतु यह और कि यदि कर्मचारी को किसी अन्य पद पर समायोजित करना संभव नहीं है, तो वह उपयुक्त पद उपलब्ध होने तक या अधि वरिष्ठता को आयु प्राप्त होने तक इनमें से जो पूर्ववर्ती हो उसी अधिसंख्या पद पर रखा जा सकेगा। समुचित सरकार दिव्यांग कर्मचारी को तैनाती और स्थानांतरण के लिए नीति बना सकेगी। प्रत्येक स्थापन इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार में उसके द्वारा किए जाने वाले प्रास्ताविक समान अवसर नीति से संबंधित उपायों को ऐसी रीति में जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए अधिसूचित करेगा। प्रत्येक स्थापन यथास्थिति मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त के पास उक्त नीति की एक प्रति रजिस्टर करेगा। प्रत्येक स्थापन इस अध्याय के उपबंधों के अनुपालन में उपलब्ध कराए गए नियोजन सुविधाओं के मामलों के संबंध में दिव्यांग व्यक्ति के अभिलेख रखेगा और अन्य आवश्यक जानकारी ऐसे प्रारूप और ऐसी रीति में जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए रखेगा। प्रत्येक रोजगार कार्यालय रोजगार चाहने वाले दिव्यांग व्यक्ति में के अभिलेख रखेगा। उपधारा 1 के अधीन रखे गए अभिलेख ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो समुचित सरकार द्वारा उनके निमित्त प्राधिकृत किए जाएं, सभी युक्तियुक्त समयों
पर निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे। प्रत्येक सरकारी स्थापन धारा 9 के प्रयोजन के लिए एक शिकायत प्रतितोष अधिकारी नियुक्त करेगा और यथाशक्ति मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त को ऐसे अधिकार की नियुक्ति के बारे में सूचना देगा। धारा 20 के उपबंधों के अनुपालन के व्यक्तित्व कोई व्यक्ति शिकायत प्रतिशोध अधिकारी को शिकायत फाइल कर सकेगा जो उसका अन्वेषण करेगा और सुधार कार्रवाई के लिए स्थापन से मामले को विचार में लेगा। शिकायत प्रतिशोध अधिकारी शिकायतों का एक रजिस्टर ऐसी रीति में रखेगा जिसे केंद्र सरकार द्वारा विहित किया जाए और प्रत्येक शिकायत की उसे रजिस्ट्रीकरण के 2 सप्ताह के भीतर जांच की जाए। यदि व्यथित व्यक्ति का उसकी शिकायत पर की गई कार्रवाई से समाधान नहीं होता है तो वह जिला स्तर दिव्यांगता समिति के पास जा सकेगा या सकेगी। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।